कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत को हम श्रवण कर रहे थे। पहले रोज रोज हम कुछ कुछ सुन रहे थे, वहाँ से एक दो तीन प्रश्न और उत्तर को हम सुन लें। किसने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को प्रश्न किया है, क्या अंतर दर्शन की विशेष प्रयोजन है? समझ गए कि नहीं? अंतर दर्शन मतलब अंदर में जो दर्शन, जैसे बाहर हम ठाकुर को दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर को तो दर्शन कर रहे हैं, क्या अंदर में दर्शन करने का क्या विशेष प्रयोजन है? ना केवल ऊपर ऊपर से जैसे ठाकुर को हम दर्शन करते हैं, मंदिर मंदिर में जा करके ठाकुर को दर्शन कर लेते हैं, क्या उतना ही काफी है? ना अंतर दर्शन की जरूरत है। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया तो प्रभुपाद उसको उत्तर देते हैं, बोले निश्चय अंतर दर्शन करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि भोग्य दर्शन आकार दर्शन बहिर दर्शन छेड़ दिए अंतर दर्शन विशेष दरकार। अंतर दर्शन ना होले बहिर दर्शन थागिबे ही, बहिर दर्शन तो माया दर्शन। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हमारी अंतर दर्शन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? नहीं तो भोग्य दर्शन होगा। भोग्य दर्शन क्या है? जहाँ जिधर देखेंगे कोई भी बढ़िया चीज़ देखेंगे, अगर बढ़िया कोई कपड़ा देखेंगे हम क्या सोचते हैं, नहीं अगर ये कपड़ा हमारा लिए होता तो कितना बढ़िया होता। लेकिन जो अंतर दर्शन करते हैं, कोई बढ़िया अगर कपड़ा देखेंगे, अगर ये राधा रानी के लिए होता तो, अगर ये कृष्ण के लिए होता तो, ये कपड़ा अगर मंदिर के लिए महाप्रभु के लिए होता तो कितने बढ़िया। कोई बढ़िया फल देखेंगे, साधारण लोग क्या सोचते हैं, अरे बहुत बढ़िया नया फल आया है इसको खानी चाहिए। लेकिन भक्तों का दर्शन किया, नहीं कोई नई फल आई है ये चीज़, सबसे पहले इसको हम ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए ले लेते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगेगा तो कितना बढ़िया चीज़ होगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते नहीं तो आकार दर्शन हो जाएगा, बहिर दर्शन हो जाएगा, नहीं तो उसमें भोग बुद्धि हमारी रहेगी। इसलिए कहते अंतर दर्शन का विशेष जरूरत है। अंतर दर्शन ना हो ले बहिर दर्शन थाकि भाई, बहिर दर्शन माया दर्शन। कहते अगर अंतर दर्शन नहीं होगा तो हमारे क्या होगा? बहिर दर्शन होगा, और जो बाहर का जो दर्शन ये माया दर्शन है। इसलिए महाप्रभु के लिए कहते हैं ना, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। महाप्रभु का जिधर नजर पड़ता था उधर केवल कृष्ण 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 ही दर्शन होता था। इसलिए प्रभुपाद का जो विचार है, हाँ इसलिए कहते प्रभुपाद एक विशेष विशेष चीज हमें देख रहे गए। बोले क्या देख रहे गए? पहले जो विचारधारा होता था लोगों का, ये सब माया है, ये सब माया है, इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये सब माया है। लेकिन प्रभुपाद ने एक विशेष बात बताया। बोले क्या बताए? बोले किसी चीज़ को छोड़ना नहीं, हर चीज़ को जोड़ना है, हर चीज़ को जोड़ दो। बोले जिस समय प्रभुपाद ने कलकत्ता में बाग बाजार गौड़ीय मठ को स्थापन किया, वो मंदिर के ऊपर में एक लाइट जलती थी, बोले बहुत वो पावरफुल लाइट था, जिसका लाइट बहुत दूर तक जाता था। किसने आकर के कंप्लेन किया, बोले रात भर ये लाइट जलती रहती है, ये इसका बेकार, ये इलेक्ट्रिक इसको पीछे क्यों खर्चा कर रहे हैं, क्यों खर्चा कर रहे हैं? प्रभुपाद एग्जीबिशन किया, एग्जीबिशन में दिखाए कैसे
इलेक्ट्रिक का जो आग जल रही है और उसको अंदर में कैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कैसे उसमें फेंक दिया तो वो आग जल रही है और प्रहलाद आग को बीच में बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम कर रहे हैं। बहुत लोग दर्शन करने आते थे, बोले इतने सारे इलेक्ट्रिक बिना कारण से सारे इलेक्ट्रिक यहाँ बर्बाद हो रहा है। किसी ने प्रभुपाद को कंप्लेन किया तो प्रभुपाद ने कहा देखो अगर जब पृथ्वी का सारे इलेक्ट्रिक जब यही काम में नियुक्त तो होगा तब समझना जो इलेक्ट्रिक जो ऑफिस में जो काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन जितने जहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई जो कुछ होता है ये सारे इलेक्ट्रिक का तभी सार्थकता है जब सबके सब चीज यही सेवा में लग जाए, कृष्ण सेवा में लगे तभी ये चीज की सार्थकता है। हाँ नहीं तो ये चीज की सार्थकता नहीं है, है? इसलिए विषय लुटिया खाए चैतन्य चैतन्यमृत कोई प्यार है कहते ये विषय का भोगकर्ता केवल भगवान है, लेकिन भगवान की विषय संपत्ति को लोग क्या कर रहे हैं उसको लूट पाट करके सबके सब खा रहे हैं लूट पाट करके। किसने आए प्रभुपाद बाग बाजार गौड़ी मठ में हरि कथा रोज रोज बोलते थे उसी समय में कोरोना का समय में इतने वहाँ पर सब मोजा की लगा हुआ था अच्छे सुंदर गलीचा बिछा हुआ था चेयर रखा हुआ था। किसने प्रभुपाद से पूछा प्रभुपाद जी हमने सुना साधुओं को पेड़ को नीचे रहनी चाहिए, साधारण लोगों का यही भावना है ना, साधु लोग क्या करते हैं जटा जटा धारण करते हैं पेड़ को नीचे धुन जला करके राख शरीर में मल करके बैठे रहते हैं। बोले आप प्रभुपाद जब कहीं जाते थे प्रचार करने के लिए तो उसी समय में कार में बैठ करके प्रभुपाद जाते थे और आप देखे होंगे प्रभुपाद एकदम कोट पहने हुए हर बूट एकदम सूट बढ़िया से सज धज करके प्रभुपाद जाते थे। तो प्रभुपाद जाते थे तब किसी ने प्रभुपाद को प्रश्न किया, बोले ये सब कोई साधु का ड्रेस है, हैं ये बढ़िया प्रभुपाद के कोट बूट सूट पहन कर टिप टप रूप में प्रभुपाद कहीं प्रचार के लिए जाते थे, बोले गाड़ी लेकर के जाते उस समय में साधारण व्यक्ति गाड़ी में नहीं बैठ सकता था, करोड़पति गाड़ी में बैठ सकता था, साधारण व्यक्ति का बस नहीं था कोई गाड़ी में बैठे। किसी ने प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद जी ये आप गाड़ी में बैठ करके आप प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। प्रभुपाद क्या बोले, बोले गाड़ी गाड़ी का क्या बात करते हो, मेरे पास में इतने हरि कथा है इतने हरि कथा अगर मेरे को 10-20 अगर प्लेन दे दिया जाए, प्रभुपाद कहते हैं 10-20 अगर प्लेन दे दिया जाए ना मैं चाहता हूँ ये सारे प्लेन में बैठे करके सारे पृथ्वी में महाप्रभु का कथा को संपूर्ण पृथ्वी में प्रचार करना मैं चाहता हूँ। अब ये साधारण मोटर कार की बात क्या कर रहे हो। इसलिए प्रभुपाद को जब पूछे ये अच्छे गलीचा बिछा हुआ था है गलीचा बिछा हुआ था चेयर और उस समय इसको साधारण बात नहीं था मोजा की जो मंदिर बनता था ना अभी तो बहुत एडवांस हो गया मोजा की कहीं मंदिर में बने चेयर गलीचा बैठा हुआ उसी समय कोई साधारण बात है सोची थी नहीं। किसने बोले आपको तो पेड़ को नीचे बैठ करके हैं हरिनाम भजन करनी चाहिए आप तो ये क्या इतने बढ़िया आलिशान सुंदर मकान बना करके मंदिर बना करके। प्रभु का प्रभुपाद कहते तुम्हारी जैसे बाबू भैया के लिए सब चीज मेरे लिए नहीं, मैं तो पेड़ को नीचे बैठ करके हरिनाम कर सकता हूँ हैं पेड़ को नीचे बैठ कर। प्रभुपाद पहले ऐसे ही तो भजन करते थे प्रभुपाद सत करोड़ नाम यज्ञ करते थे प्रभुपाद पेड़ को नीचे साधारण जगह पर रह करके ग्रो गो ग्रास खा करके है चंद्रायन व्रत करके प्रभुपाद पहले बड़े कठोर पूर्वक प्रभुपाद साधन भजन करते थे हैं। लेकिन प्रभुपाद को तो लेकर के आए हैं हमारे कुंज बिहारी प्रभु उनको बाहर लेकर के आए उनको। इसलिए प्रभुपाद बोले तुम सब बाबू भैया के लिए सब चीज और मेरे लिए ये चीज नहीं, अगर मैं पेड़ को नीचे बैठ कर रहता ना तुम लोग एक भी मेरे पास में नहीं आते। आज जो इतने भक्त लोग यहाँ पर आए बैठ करके हरि कथा सुन रहे हैं किस लिए, ये सब तुम लोगों के लिए मेरे लिए ये सब चीज नहीं। इसलिए प्रभुपाद का जो विचारधारा था जगत का जितने सारे सुंदर से सुंदर बढ़िया से बढ़िया चीज को क्या करो ठाकुर जी को
सेवा में लगा। भगवान की सेवा में जब ये सारे चीज ठाकुर को, इसलिए प्रभुपाद का उपदेश उपदेश है ना, विषय विग्रह भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र भोग्य, आर सबका है, सबके सब भोक्ता है और सब इसकी भोग्य है, भोक्ता केवल कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता। इसलिए प्रभुपाद ने ये एक विशेष चीज देकर गए, हर चीज को ठाकुर को सेवा में लगा। देखो अगर यहाँ पर सुंदर गोपाल प्रभु मंदिर बना है, हैं इतना सुन, तभी तो लोग आ रहे हैं, तभी तो ब्रह्मचारी को रुके हुए ना, तभी तो रुके हुए ना, हैं गीजर लगा दिए, एसी लगा दिए, हाँ इतना सुंदर, हाँ उन्होंने कोशिश किया, तभी तो यहाँ पर कुछ बैठ करके लोग भगवत सेवा में लग रहा है ना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ये माया कब तक, ये सब चीज माया है, जब ये चीज को अपना भोगा भोग विषय में लगा तभी माया है, लेकिन जब इस सब का उद्देश्य केवल भगवान हो जाए ना, फिर तो ये माया नहीं है, इसको माया नहीं, ये ठाकुर की सेवा के विषय है। देखो हमारे सनातन प्रभु है इधर, सनातन प्रभु देखो ठाकुर जी को कितना कीमती कपड़ा पहना है, कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं, तभी तो लोग देखने के लिए आते हैं, वैसे खड़े देने पर कोई आते है? कोई आते ही नहीं, आकर देखते रहते हैं। राधा रानी को कितना सुंदर सजाया, कृष्ण को कितने सुंदर, महाप्रभु को कितने सुंदर सजाया। इसलिए जब ये हर वस्तु जब इसको ला करके ठाकुर को सेवा में लगाएंगे ना, तभी ये वस्तु हर वस्तु का सार्थकता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर अंतर दर्शन नहीं होगा ना, फिर क्या होगा, सब बाहर का दर्शन होता रहेगा। इसलिए हर चीज को भगवत सेवा में हमें लगा देनी चाहिए। इसलिए थामेर अभ्यंतरस्त चिट्ठीर विषय उद्ग्रीव होले बाहिरेर खाम खाना देखवार और अवसर थाके ना है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद उससे पूछे, बोले बताओ तेरे भगवान कहाँ है, तेरे भगवान कहाँ है, तब उन्होंने बोले मेरे भगवान कहाँ नहीं ये तो बताओ, मेरे तो भगवान प्रभु तो कण कण में बैठे हैं। बोले ये खंभे के अंदर में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते सचमुच से भगवान खंभे में प्रकट हो गए। अब प्रहलाद ने देखा भगवान बैठ कर मुस्कुरा रहे हैं, हैं, बोले तुम मेरे को तो दिख रहा है प्रभु उसका अंदर में बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। बोले मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है। बोले पिताजी आपका जो आँख है मैं ना विषय रूपी धूल में झोंका हुआ है, हैं, आपको आपका जो आँखों में कहते क्या है, कहते ये काम क्रोध विषय रूपी अंजन लगा कर रखे हैं। इसलिए जब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सु विलोकयंतम जम श्याम सुंदरम मचित गुण स्वरूपम गोविंदंग मादि गुरुसम तमाम भजामी। मेरे को दिख रहा है, बोले पहले तेरे प्रभु को दिखा था, बाद में तेरे को दिखाऊंगा। उनने मुष्टि का घात प्रहार क्या किया हुआ, खंबा फार करके स्वयं नरसिंह देव प्राप्त हो गए। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते अगर अंतर दर्शन नहीं होगा ना, फिर तुमको क्या दिखेगा, खंबा ही दिखेगा। लेकिन सचमुच से उसके अंदर में भगवान की विद्यमानता है, अगर यह चीज को आपको नहीं दिखेगा तो ऊपर क्या दिखेगा, खंबा ही दिखेगा। लेकिन इस सर्वत्र भगवान की विद्यमानता है, हैं, भगवत विद्यमानता है, कहते ये अंतर दर्शन, भगवान है नहीं कहाँ, हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास क्या कि प्यार है, क्या प्रेम ते प्रकट हो ही जाना, क्या है, हाँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही नहीं जाना। इसलिए हरि सर्वत्र व्यापक समाना, भगवान की सर्वत्र व्यापक भगवान की। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं खाम्बेर अभ्यंतरस्त चिट्ठीर विषय उद्गीर्व होले बाहिरेर खाम्बा खाना देखवार और अवसर थाके ना। अगर वास्तव रूप में भगवत अंतर दर्शन हो तो फिर हमें बाहर का खम्बा नहीं दिखता है, लेकिन हर कण वस्तु में हरबत हरि सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, हमें वही अनुभूति रहेगा। वो एक कथा आती है ना, एक समय
शायद हमारे द्रोणाचार्य ने हैं द्रोणाचार्य ने शिष्यों को किया दिया, कोई मुर्गा दिया था ना जहाँ पर नहीं और कोई कोई वस्तु दिया था, बोले देखो जहाँ पर कोई नहीं होगा तुमने ये मुर्गा को मार करके आना, अगर कोई जहाँ पर नहीं हो वहीं पर उसको मार करके लाना। तो उन्होंने सबको एक एक मुर्गा दे दिया, लेकिन सबको थोड़ी देर बाद में मार कर सब ले आए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज लेकिन उसको मारे ही नहीं, वापस दे दिया। बोले क्यों तुमने मारा नहीं क्यों? बोले गुरुदेव आपने बताया जहाँ पर कोई नहीं हो आप उसको मार करके लाना, लेकिन मेरे को तो सर्वत्र प्रभु का दर्शन हुआ है, भगवान कहाँ नहीं बताओ, ऐसे कोई स्थान है जहाँ पर ठाकुर की विद्यमानता नहीं, भगवान तो सर्वत्र है, इसलिए मैंने देखा तो भगवान सब जगह में जब है, कोई स्थान ऐसे नहीं, कोई गुप्त स्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए भागवत का षष्ठ स्कंध में आता है ना, षष्ठ स्कंध में आता है ना, ये जमदूत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम कोई भी चीज को छुपा करके कर नहीं सकते हैं। बोले क्यों? बोले दिन में कोई भी काम करेंगे सूर्य किरण उधर है, सूर्य का किरण उधर तो है, रात में अगर कोई कुछ काम करके, रात्रि तो हो ही है, फिर ये दस दिशा भी सर्वत्र, दस दिशा भी सर्वत्र है। कहते हैं हम जो कुछ करते हैं ना चित्रगुप्त का जो कैमरा में, वो सबके सब अपने आप रिकॉर्डिंग हो जाता है, वो सबके सब उसमें रिकॉर्डिंग होती है, और मरने के बाद सब रिकॉर्डिंग निकलता है। इसलिए हम कोई भी काम को, कोई सोचे हम छुप करके हम कर रहे हैं उसको कौन देख रहे हैं, कोई भी काम को जमदूत कह रहे हैं, ये कोई भी काम को हम छुपा करके कर नहीं सकते, सबके सब अपने आप ऊपर में वो रिकॉर्डिंग सबके सब हो रही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी, भैया भगवान की विद्यमानती सर्वत्र, सर्वत्र भगवान की विद्यमानी अंतर दर्शन होनी चाहिए। बोले विश्व के भगवत सेवक रूपे दर्शन हले आबार बहिर्दर्शन थाकबे ना। कहते ये बहिर्दर्शन कब नहीं रहेगा? बोले तब भी नहीं रहेगा अगर ये विश्व को भगवत सेवक रूपे अगर दर्शन करते हैं, अगर हर चीज को भगवान की सेवक रूप में दर्शन करे, उनकी सेवा रूप में दर्शन करे, जो कुछ बनाया है वो हमारा लिए नहीं है, ये सब के सब किसके लिए है? भगवान के लिए बनाया, कोई भी चीज अपना लिए है नहीं, ये सब के सब ठाकुर जी की सेवा के लिए, ये दर्शन हमारे अंदर में होनी चाहिए। इसलिए जब हम देखा, जब गुरुदेव को कोई कपड़ा जब देते थे ना, जब पहनते थे, वो सब चीज को पहले गुरु जी को हाथ में दे करके, ठाकुर जी के चरण में दे करके हैं, दे करके तभी उस चीज को धारण, गुरुदेव तभी गुरुदेव देते थे, तभी गुरुदेव देते थे। एक बार क्या हुआ, मैं जब मथुरा में था, हमने भिक्षा करके लाए, जैसे हर द्वादश को भिक्षा करके हम लाते हैं, जब कुछ भिक्षा करके लाए हमने गुरुदेव को दे दिया, उस समय 50-100 रुपया हो जाए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्यों घर घर में 1-1 रुपया 2-2 रुपया देते थे। तब हमने गुरुदेव को कुछ भिक्षा दिया, और मेरे मेडिसिन के लिए मेरी कोई पेट सही नहीं था, मैंने झट गुरुदेव को दे करके बोले, मैंने कहा गुरुदेव मेरे को 10 रुपया दो। बोले क्यों? बोले मैं दवा लाऊंगा, मेरे पेट सही नहीं। तो गुरुदेव बोले अभी नहीं, बोले अभी नहीं, क्योंकि तुमको ऐसे लगेगा मैंने खुद भिक्षा करके लाया हूँ, भिक्षा करके लाया हूँ, इसलिए मैं जब खुद भिक्षा करके लाया हूँ ये इसमें हमारी अधिकार है, इसलिए 10 रुपये नहीं, अभी जाओ बाद में आकर के लेना, अभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नियम है जो कुछ हम भिक्षा करके लाते हैं वो अपना लिए नहीं, ये ठाकुर को सेवा के लिए लाते हैं, ये गुरु सेवा के लिए ही हम लाते हैं, कोई भी चीज़ अपना लिए नहीं है। इसलिए जब हम जाते थे गुरुदेव पर रहते समय, घर में जाते थे भंडारा में, वहाँ पर 1 रुपया 2 रुपया ऐसे ये मिलता था, हमको प्रणाम मिलता था, उस समय ला करके क्या करते थे, सबके सब गुरुदेव को सब देते थे, अगर कोई नहीं दिया तो गुरुदेव बोलते हे तुमने पैसा नहीं दिया, तुमने पैसा नहीं दिया तो पैसा क्या किया? बोले गुरुदेव हम सर्प के लिए रखे थे। बोले नहीं अभी नहीं, ले आओ 1 रुपया को ले आओ, क्योंकि गुरुदेव कहते थे, क्योंकि जो विषय व्यक्ति जो अन्न देते हैं, कहते ना विषय अन्न खाई ले
मलिन है मन, मलिन है ले मन ना है कृष्ण स्मरण। गुरुदेव बोलते थे ये विषयों का विष है, जो पैसा नहीं ये विषयों का विष है, हैं इसको खाने से अपने आप ले आए अपने आप भोग करने लग गए। बोले नहीं, इसमें अपराध है। विषय अन्न खाए ले मलिन है मन, हल मलिन है ले मन ना है कृष्ण स्मरण। फिर इसमें क्या होगा? फिर भगवत स्मरण, तुम्हारी भगवत स्मरण नहीं होगा है। इसलिए कहते हर वस्तु में हमें भगवत दर्शन करनी चाहिए। वो जितना विषय है इसका भोक्ता केवल भगवान कृष्ण ही भोक्ता, हम इस किसी चीज का हम भोक्ता नहीं है। अगर भोक्ता अभिमान आ जाएगा ना, फिर तो उसमें अपराध। हम देखा हमारे जो गुरुदेव, मेरे जो गुरुदेव ठाकुर जी का सेवा के लिए ना, मैं देखता था ऐसे मुक्त हस्त से गुरुदेव उसको सेवा के लिए देते थे, लेकिन जब अपना लिए कोई चीज लेते थे बहुत विचार करके गुरुदेव सोचते थे, क्योंकि जिसने ये पैसा दिया है वो ठाकुर को सेवा के लिए दिया है, ठाकुर जी की सेवा के लिए दिया है। इसलिए अपना लिए जब कोई विचार करते गुरुदेव बहुत, अपना भोग सुख के लिए बहुत कम, लेकिन जब ठाकुर को सेवा के लिए, जैसे हमारे मंदिर में झूला जो बनता था, जब गुरुदेव बहुत बढ़िया कोई चीज ठाकुर को सेवा के लिए, मैं देखता तो गुरुदेव वहाँ पर कोई कंजूस नहीं करते थे, गुरुदेव पूरा मुक्त था। बल्कि हमने देखा, बल्कि जैसे हमारे जो झूला बनाया, जब पूरी मठ में गुरुदेव झूला बनाए, जिसने झूला बनाया, अब इतने सुंदर झूला बनाया, उसका जो मजूरी है जितना है वह मजूरी गुरुदेव खुश होकर और 5,000 रुपये उस समय में, और 5,000 रुपये खुश होकर दिए। अरे वाह, इतना सुंदर तुमने ठाकुर जी के लिए इतना सुंदर तुमने बनाया है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं विश्व के जब भगवत सेवक रूपे दर्शन होता है, फिर हमारी फिर किसी चीज में बहिर दर्शन नहीं होता, हर चीज में कृष्ण सेवा कृष्ण दर्शन होता है। इसलिए था के ना इसलिए कहते विश्व सर्वत्र ही भगवान विराजित, प्रत्येक हृदय भगवान बसति स्थल। बोले विश्व सर्वत्र ही भगवान विराजित, भगवान सर्वत्र है, भगवान की विद्यमानता सर्वत्र, भगवान की विद्यमानता और प्रत्येक हृदय में भगवत दर्शन है। इसलिए अमर हृदय मंदिरे भगवान सतत अवस्थान करते छे, आमा के सुजोग सेवा सुजोग प्रदान करिवार जने, यही चिंता बा दर्शन प्रबल होले, आत्मवत मन्यत जगत न्याय सर्वत्र इष्ट दर्शन हवे। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे हृदय मंदिर भगवान सतत अवस्थान करते हैं, आमा के सेवा सुजोग प्रदान करिवार जन्य जन्य, इसलिए यही चिंता बा दर्शन प्रबल होले। कहते भगवान सर्वत्र विद्वान भगवान की, और हमारे हृदय मंदिर में भी भगवान की, हृदय मंदिर में विद्यमान है। कहते भगवान क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर में भावना क्या होनी चाहिए एक साधक का हृदय में। भगवान हम कभी कभी सोचते हैं ना, अगर हम रसोई बनाते कौन रसोई बनाता, अगर हम पूजा नहीं करते पूजा ठाकुर जी आज भूखे रह जाते, ठाकुर जी आज भोजन नहीं करते, अगर आज ये ठाकुर को परिष्कार नहीं करता तो क्या कौन परिष्कार, गंदा पड़ा रह जाता। कभी कभी हमारे अंदर में अभिमान आ जाता ना, हम नहीं करते तो कौन करता इसको, हमने किया तभी तो हुआ है ना, हमने किया तभी तो हुआ, हम नहीं करते तो कौन करता। भैया ये जो अभिमान है ना, अभिमान सुरापान, इसलिए नहीं, भगवान की अनंत सेवक है। लक्ष्मी सहस्र सतसम भ्रम सभ्यमानम, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ जिस भगवान की चरण की सेवा करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, हैं ठाकुर की सेवा भी कोई कमी नहीं। कहते गोलोक वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में अगर किसको केवल मंदिर ठाकुर की सेवा के लिए, केवल जिसको फूल चयन करने की, केवल फूल तोड़ने की अगर किसको सेवा मिल गया ना, इतने खुश होते हैं, अहो भाग्य है ठाकुर जी के लिए हमें पुष्प चयन करने मिला। जिसको केवल माला बनाने की सेवा मिल जाती है गोलोक वृंदावन में, ठाकुर जी के लिए हम माला बनाते, प्रियतम के लिए, कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए माला बनाते हैं। वहाँ पर किसको थोड़ी सी कोई एक सेवा मिल जाती है ना, किसको झाड़ू लगाने की, किसको पोछा लगाने की सेवा मिल जाए, हैं वहाँ पर तो कुंजियों को गोपियाँ अपना केशों से साफ करते हैं, अपना केशों से साफ करते हैं,
वहां पर कोई एक थोड़ी सी सेवा मिल जाए, अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं, हमारे जीवन में धन्य है ठाकुर जी के थोड़ी सी हमें सेवा मिले। इसलिए मंदिर में जो सेवा है ना बड़े प्रीतिपूर्वक करनी चाहिए। और इसलिए बामन गोस्वामी महाराज कहते, ध्यान देख रहे सुनो, बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, वो कहते थे जब तक किसकी सेवा की कोई दायित्व तो नहीं, कोई सेवा की कोई दायित्व तो नहीं, तब तक वो कोई भजन नहीं। मैंने जब पूरी मठ में था, हमारे गुरुदेव चले गए थे नहीं, बामन गोस्वामी महाराज मंदिर में आए थे नीलाचल गौड़ी मठ में, तब मैंने कभी कभी चला जाता था। तब एक दिन मेरे को पूछे बामन गोस्वामी महाराज, बोले मंदिर का क्या सेवा करते हो? मैं तो बहुत सेवा करता था, बहुत सेवा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। सवेरे उठ करके सब्जी अमणिया करना मेरा ही सेवा था, सब्जियाँ। उसके बाद में जो फूल तोड़ना बगीचा से मेरा ही काम था, बर्तन धोना मेरा ही सेवा था, मार्केटिंग करना मेरा ही सेवा था, मंदिर साफ करना मेरा ही सेवा था, वहाँ से आ करके फूल की माला बनाना मेरा सेवा था। अगर कोई आ जाते थे ना दर्शन हमारे मंदिर में, भिक्षा करता था, सवेरे 4 बजे से उठ करके 1 बजे तक 1-2 माला करना भी मेरे लिए दिक्कत था, हैं दिक्कत था, इतना सेवा करता था। पर शाम को मंदिर साफ करना, बर्तन धोना, बहुत बहुत सेवा करता था, जो सोच भी नहीं सकते हो। मेरे सोच से बाहर है इतना, मेरे को मतलब समझो मेरे को खाने के सिवाय मतलब इतना सेवा करता था। हमारे अभी भी जा करके किसको जाकर पूछ लो, मुनि महाराज पुरी महाराज को पूछो रसानंद प्रभु क्या सेवा करता था, जाकर पूछ लेना है मेरे को श्लोक। लेकिन मेरे मन में बड़े उत्साह होता था, थोड़ा मैं हरि कथा बोलूँ, श्लोक याद करो कैसे करता था, जब मार्केट जाता था समय तो है नहीं बैठ करके, श्लोक याद करना इतना सेवा, मैं हाथ में लिख कर लेता था जब मार्केट ही करने जाता था, तो पेपर में लेकर के चैत्र दर्पण मार्जन। अब जो मंदिर जो हमारे पूरी मंदिर में देखा, नाट मंदिर देखना, वहाँ पर शिक्षाष्टक उपदेशामृत, मैंने कभी बैठ करके नहीं याद किया। वो मंदिर साफ करता था ना, साफ इधर बोलता था चैत्र दर्पण मार्जन, चैत्र दर्पण मार्जन, इधर मंदिर साफ करता था, फूल की माला बनाता था, वहाँ पर रख लेता था फूल की माला बनाता था, और क्या करता था श्लोक याद कर, मतलब इतना मैंने परिश्रम किया, इतने कठोर तक मैंने परिश्रम किया है, हैं। इसलिए कहते भैया सेवन मुखे जिहाद हो स्वयं में बस प्रतत्व, जब तक हमारे अंदर में सेवन मुख वृत्ति नहीं रहेगा ना, सेवा करने का वृत्ति है, कहते ना सही जाने जा रहे देहु जानाई, जब तक जमे वैसे वृणुते तेन लभ्य, जब तक वे किसको नहीं देते हैं अपनी आप कोई कर नहीं सकते हैं। अपना बुद्धि विवेक से कोई व्यक्ति अपना बुद्धि विवेक से मतलब प्राप्त करके नहीं कर सकता है। जब तुम्हारी निष्कपट सेवा वृत्ति कोई देखेगा ना, फिर तो जाकर किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर अभिमान, हम नहीं करते तो कौन करता, नहीं भैया। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते आप भगवान, कहते भगवान कृपा करके हमारे सेवा सूचक प्रदान करिवार जन्ने, भगवान क्या कर रहे हैं, हमें कृपा करके सेवा थोड़ी सी सुजोग दिया है, ये चीज समझो। ये अभिमान मत लाओ जो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, नहीं भैया, कोई थोड़ी सी सेवा मिली जाए जीवन धन्य बनानी चाहिए। ठाकुर जी कृपा करके हमें थोड़ी सी सेवा प्रदान किया है, ये भावना होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सेवा सुजोग प्रदान करे अर्जुन, यही चिंता बा दर्शन प्रबल हो ले, जब ये चिंता हमारे हृदय में प्रबल होता है ठाकुर जी कृपा करके हमें ये सेवा को प्रदान किया, फिर क्या होगा। प्रभुपाद कहते हैं आत्म मन जगत जगत न्याय सर्वत्र इष्ट दर्शन, फिर क्या होगा, जगत आत्मवत, फिर दुनिया को अपना आत्मवत जैसे दर्शन करेगा, फिर उसको क्या होगा, सर्वत्र उनको भगवत दर्शन होगा, सर्वत्र उसको भगवत दर्शन होगा। कहते तखन आर बहिर दर्शन इतर दर्शन लघु दर्शन बा विश्व दर्शन थाकबे ना, तखन ही विश्व पूर्ण सुखायते। तब प्रभुपाद कहते हैं उसी समय में आपके और बहिर दर्शन नहीं रहेगा, आपको और छोटा दर्शन नहीं रहेगा, फिर ये दुनिया को जो हम देखते हैं ना, ये दुनिया दर्शन नहीं रहेगा, हर समय आपका अंतर दर्शन रहेगा। क्या अंतर दर्शन, ये दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं ये सब कृष्ण सेवा के लिए, राधा रानी की
महाप्रभु की गुरु वैष्णव की सेवा के लिए ये दुनिया का कोई भी वस्तु अपना लिए नहीं, अपना लिए कोई भी वस्तु अपना लिए नहीं है, हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा के लिए। हमारे अंदर में ये दर्शन होनी चाहिए, इसलिए कोई भी चीज को अपना भोग का वस्तु नहीं समझ करके हर चीज गुरु वैष्णव ठाकुर की, हर चीज गुरु वैष्णव ठाकुर को सेवा का आदर दर्शन करेंगे। प्रभुपाद के आते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते, वही व्यक्ति दुनिया को आनंद आनंद में दर्शन करेगा, सर्वत्र उन्हें आनंद आनंद दर्शन करेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अंतर दर्शन का बहुत जरूरत है, इसलिए हमें बहिर दर्शन छोड़ करके अंतर दर्शन करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, सपरिकर गौर हरि की, राधा मदन मोहन जीव की आरती करी वो इताई गौर प्रेम।